तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो आपकी साइट के बारे में। तो मैं आपको एक आपकी साइट दिखाऊंगा, अगर आप उसके जैसा साइट बनाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ट्यूटोरियल देता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहले साइट को देख लेते हैं और इसमें क्या क्या नया फीचर्स है उसको हम बता देते हैं। तो इसका नाम है djmojaking.ml, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या क्या नया फीचर है, वो आपकी साइट है उसको आप देख ही सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसा साइट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वायरल जो अभी है गूगल पे, वो यहाँ पर दिखाएगा जो वायरल सॉन्ग्स अभी। और यहाँ पर न्यू फाइल्स, मतलब कि जो फीचर्ड फाइल है उस टाइप का यहाँ पर आएगा। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक कलर चेंजिंग लेटेस्ट अपडेट, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको रिलोड करोगे तो आपको दिखा देता है, यहाँ पर कलर है अभी ग्रीन, ठीक है। अब हम इसे रिलोड करते हैं। तो रिलोड करने के बाद हम ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर अभी ग्रीन ही दिख रहा है, तो एक बार फिर से रिलोड कर ले। मतलब कि आपका जितना भी रिलोड करोगे आपका साइट का, ये जो लेटेस्ट अपडेट कोड का जो कलर से वो चेंज होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मतलब कि 150 तक गाना ऐड कर चुका हूँ, इसीलिए ऐसा टोटली सॉन्ग आ गया है यहाँ पर। आप चाहे तो इससे कम या फिर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसका आता है सिलेक्ट कैटेगरीज, उसके बाद आता है टॉप 20 फाइल्स एंड ऑल और ऑल वेबसाइट। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके का, और यहाँ पर देखिए मतलब कि यहाँ पर जो आ रहा है ना दुर्गा पूजा लेटेस्ट ये सॉन्ग्स, ये मतलब कि अभी हिट्स है और इसको अभी लोग चाहते हैं, तो यहाँ पर ये आ रहा है। तो देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ गाना जो इस साइड से वायरल हुआ था। तो ये रहा, हम इसके डाउनलोड पेज को दिखा देते हैं। अगर आप भी इसी तरीके का साइट बनाना चाहते हो तो कमेंट करें, वो आपकी इस ट्यूटोरियल बना दूंगा। अगर आप कमेंट करो तो इस साइट का फुल ट्यूटोरियल मैं बना दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये रियल डाउनलोड है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। आप चाहे तो मेरा साइट पर आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल ही रियल डाउनलोड है। तो दोस्तों देख ही सकते हो, तो हम जाते हैं आप इस गाने पर जाके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए 56 और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउनलोड था, और देख सकते हैं इस साइट का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। अगर आप भी ऐसा साइट बनाना चाहते हैं तो आप ही कमेंट करें। उसके होम पेज पर चले जाते हैं। ये जो देख लेते हैं, उसके फाइल मैनेजर के अंदर आपको ऐसा दिखाएगा, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जो मैं आपको होम में जाकर दिखाता हूँ, और यहाँ पर जो ये लगा हुआ है ये भी बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर इसमें जाऊँ डीजे सोलो बस पे, तो ये डायरेक्टली मुझे डीजे सोलो बस के ऑल सॉन्ग्स को दिखा देगा। और उसके बाद मैं अगर जाऊँ डीजे जगत राज इस फोल, मतलब कि इस फाइल पे, तो आप देख सकते हैं जगत राज का सभी गाना और यहाँ पर कितने कितने डाउनलोड है वो भी दिखाएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं, और आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि ये वो आपकी साइट है, ये वाला, ये वो आपकी। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा साइट बनाना चाहते हो तो आप ही कमेंट करें, मैं आपको इस साइट मतलब कि वो आपकी का फुल ट्यूटोरियल दे दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना कि
इस ऐसा साइट बनाना तो मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूँगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ही फायदा होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, और 20 लाइक्स प्लीज दोस्तों। बाय।